आपे सुरता आपे करता कहो नानक विचारो। हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहै समाई। पूरे गुरते साच कमावै गत मित शब्दे पाई। पूरे गुरते साच कमावै गत मित शब्दे पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ए सी गुरमुखो पदा नंबर 22। जोगी ने जिहड़े हुण गुरु नानक साहिब सतगुरु पातशाह जी नूं सवाल करदे ने, सवाल की है, कहां ते आवै कहां ए जावै कहां ए रहै समाई। हे गुरु नानक साहिब पातशाह, जिहड़े इस संसार दे जीव ने कहां ते आवै कित्थों आउंदे ने, कहां ए जावै किथे चले जांदे है। तीसरा बचन क्या, कहां ए रहै समाई। ते पातशाह जिंदगी जिहड़े जीव ने इन्हां दी सुरत किथे टिकी रहिंदी है, तुहानूं कोई पता है इस गल दा? संसार दे जीव कित्थों आउंदे ने, कित्थे ए चले जांदे है, ते पातशाह जिंदगी जिउंदियां होइयां इन्हां दी सुरत किथे टिकी रहिंदी है, किथे समाए रहिंदे ने। ए बचन कीता, इस शब्द को जो अर्थ आवै। पातशाह इस शब्द इस साडे बचना नूं जे कोई अर्थ समझा देवे तिस गुर तिल ना तमाई, ते असी समझांगे कि उस गुरु दे विच रता भर भी तमा नहीं है, लालच नहीं है। क्योंकि गुरमुखों आम तौर दे उपर ये जोगी बचन क्यों कह रहे ने, क्योंकि दुनिया दे विच आम तौर ते धर्म दी दुनिया दे अंदर भी आम तौर ते गुरुआं दे वल्लों कीते हुए बचनां दे पिछे तमा हुंदी सी, कोई ना कोई लालच हुंदा सी। लालच कल्ला पैसियां दा नहीं हुंदा, कई कई वार ना इंज मैं आम देखदे आं आपां दुनिया विच, कई वार कहिंदा जी तेरा नुकसान करके मैनू की मिल जू। आम तौर ते आपां कहिंदे आ ना कई वार कि तेरा नुकसान करके तू शक ना कर भाई मेरे ते, मैं नहीं तेरा नुकसान किया, तेरा नुकसान करके मैनू की मिल जू। मैनू की मिल जाता अर्थ होंगे कि मैनू की पैसे मिल जाएंगे, मैनू की धन मिल जाएगा, इदा ही होंगे। पर कई बार गुरमुखो नुकसान किसी की चुगली करनी किसी की निंदा करने का मकसद कला धन थोड़ा होंगे, कई बंद रस इदा का होंगे, कई रस मिलता होंगे यदा शांति जी मिलती होंगी, जब तक इधर दी उधर ना कर लैन उधर दी इधर ना कर लैन तो मन में शांति नहीं मिलती होंगी, क्योंकि रस उदा का भुख उदा की है। तो कई बार बंदा निंदा चुगली अपनी उस रस में मानन दे लई भी करता होंगे, वो भी एक तरह का लालची होंगे, टका ही नहीं हो जब तक इधर दी उधर ना कर दे। तो इस तरह के नाल धर्म की दुनिया के अंदर किसी नूं ज्ञान देण दे पिछे भी लालच हुंदा सी, तमा हुंदी सी। जोगी ये गल पातशाह नूं कहिंदे पए ने, सतगुरु पातशाह असी जे तुसी साडे इन्हां गल्लां दा जवाब दे दिओ ईमानदारी दे नाल सच्चाई दे नाल, क्योंकि जदों गुरमुख टीचर है जिहड़ा मास्टर है, आपां कहिंदे गुरु है, मास्टर नूं गुरु कहा जांदा, पर गुरु उस टीचर दे ज्ञान दे पिछे एक तमा है भी बच्चा नूं पढ़ावांगा ते मैनूं तनखाह मिलेगी पैसा मिलेगा। कई बार धर्म दी दुनिया अंदर भी तमा हुंदी सी भी संगत नूं खुश रखांगे तां चार पैसे मिलणगे, और ये ज़्यादातर हुंदा है इदां धर्म दी दुनिया दे अंदर भी।
इस तरह गुरु नानक साहब पातशाह ये मनुख कित्थों आउंदे ने कित्थे जांदे ने इन्हां दी सुरत कित्थे टिकी रहिंदी है। पातशाह जे तुसी साडी इन्हां शब्दां नूं इन्हां बचनां नूं समझा देवो ईमानदारी दे नाल सच्चाई दे नाल ते सतगुरु पातशाह असी मन्नांगे वी तुसी ओ गुरु हैं जिस दे अंदर कोई तमा नहीं है कोई लोभ लालच नहीं है। क्यों तत्तै अविगतै पावै गुरमुख लगै प्यारो। क्यों दा अर्थ किवें तत्तै दा तत् मूल अविगतै शब्द गुरमुख अविगत तों बणिआ अविगतै अविगत हुंदा विगत हुंदा देखना दृष्टमान विगत शब्द जिहड़ा है ते अविगत अदृष्ट जिहड़ा दिखाई नहीं दिंदा होवे तत्तै अविगतै तत् हुंदा मूल अविगतै ओ मूल तत् परमात्मा जिहड़ा अदृष्ट है दृष्टमान नहीं है दिखाई नहीं दिंदा। हे पातशाह पावै उस नूं किवें प्राप्त कीता जावे जिहड़ा प्रभु दिखदा ही नहीं है अविगत है अदृष्ट है उस परमात्मा नूं किवें प्राप्त कीता जावे। गुरमुख लगै प्यारो गुरमुख गुरु दे राही उस परमात्मा दे नाल साडा प्यार किवें लगे परमात्मा नाल प्यार किवें पैदा होवे पातशाह ये सानू समझाओ। आपे सुरता आपे करता कहो नानक विचारो। हे नानक ये विचार कहो ओ परमात्मा किवें आप ही सुरता है आप ही करता है आप ही ओ बचन करन वाला है आप ही ओ परमात्मा बचन सुनन वाला है परमा सतगुरु जी ये खेड किवें है सानू ते कुछ समझ नहीं पैंदी। हे सतगुरु जी कहो नानक विचारो हे नानक ये विचार सानू दसो ये गल समझावो। हुण गुरमुखो इत्थों तक ना जिहड़ा है ओह गुरु नानक साहिब पातशाह नू सवाल करदे पए आ जो ये पहलियां चार पंक्तियां सवाल ने जी। हुण अगलियां जिहड़ियां दो पंक्तियां ने उहदे विच गुरु नानक साहिब पातशाह फिर जवाब दिंदे ने की कहिंदे ने। पहला बचन की सी जोगी ने सवाल की सी कित्थों आउंदे ने कित्थे जांदे ने कित्थे इन्हां दी सुरत समाई रहिंदी यही सी ना पहला सवाल। हुण पातशाह कहिंदे ने हुक्मे आवै हुक्मे जावै हुक्मे रहै समाई ये की है ये जवाब है। पातशाह कहिंदे भाई हुक्म दे विच आउंदे ने हुक्म दे विच ही संसार तों जांदे ने ते पातशाह कहिंदे हुक्म दे अंदर ही समाए रहिंदे हन। गुरमुखो प्रभु चैतनिया नूं किसे ने पुछिया सी बंगाल दे विच ना एक प्रभु चैतनिया होए ने बहुत वड्डे भगत होए आ उहनां नूं किसे ने पुछिया कहिण लगे चैतनिया जी ये जीव कित्थों आउंदे ने कित्थे जांदे ने सानू कृपा करके समझाओ ते चैतनिया कहिण लगा ये तां नहीं मैनूं पता ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੱਚ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਵੈ ਰਤਨ ਗਵਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰਤਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਵਾਹ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਸੁਰਤ ਗਵਾਹ ਬੈਠਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਚਲੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਓ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਸਦ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ
ते गुरु पातशाह जी ने सारे सिखां नूं सतगुर भाणै अपने बह परिवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोब सी सो मैं मूल ना पाया। पर ये भी क्या भाई कि सतगुर भाणै अपने कि सतगुरु ने सारे परिवार नूं सिखां नूं अपने कुल बुलाया रुदन नहीं करना भाई रोना नहीं करना की है। पातशाह कहन लगे अंतै सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जी केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़ें पुराण जी हरी दी कथा करनी है हरी दा कीर्तन करना भाई रोना नहीं है क्योंकि धुर लिखिया परवाणा फिरे ना ही मन वेखो कर निरजास जीओ। पातशाह कहिंदे निरना करके तो देखो भाई ये धुर दी चिट्ठी का परवाना हुक्म जिहड़ा ये तो मुड़े नहीं जा सकी। इस करके ये गुरमुखों किसी किसी की अवस्था बनती है भी मौत भी उड़ीकी जा रही है और आम तौर पर तो बंदा डरदा है मौत तो रोंदा है मौत को देख के चेहरा पीला पै जाता है। इस करके पातशाह कहिंदे भाई जो भी आउंदे ने कित्थों आउंदे ने कित्थे जाते ने तो परमात्मा ही जानता है पर पातशाह कहिंदे हुक्मे आवै उहदे हुक्म दे विच ही आउंदे है। अच्छा एक एक नुकता होर तुहानूं चेता आ गया जदों चढ़ाई करदा जीव आपां कहिंदे जी परमात्मा दा हुक्म सी कहिंदे ना सारे रब्बी हुक्म सी भाई। अच्छा आपां की समझदे आ भी मरना ही हुक्म हुंदा पर पातशाह कहिंदे हुक्मे आवै जमदा जमना भी तां हुक्म है आउणा भी तां हुक्म है गुरमुखो परमात्मा दा। हुण असीं एक दिन कहिंदे भी बाबे ने कृपा कीती जी उहदा हुक्म सी ते पुत्तर दा जन्म होया आना भी उहदा हुक्म है। इस करके हुक्मे आवे पातशाह कहिंदे हुक्म दे विच आउंदे आ भाई जो भी आउंदा हुक्म है उहदा हुक्मे जावे उहदे हुक्म दे अंदर ही जीव जा रहे ने हुक्मे रहै समाई ते इह जीव जिंदगी नूं जिउंदा होया उहदे हुक्म दे विच ही रहिंदा है उहदा हुक्म ही है जो कुछ भी कर रहा है उहदा हुक्म है गुरमुख असी जो कुछ भी कर रहे हाँ। इस करके पातशाह ने कहा भाई ये गल सिखा चेता रखी हुक्म है अंदर सब को बार हुक्म ना कोई नानक हुक्म है जे बुझै तो होमै कहे ना सब कुछ वो हुक्म अंदर है जे इस प्रवान कर लवें ते तेरी होमे नुकसान नहीं करेगी तेरे अंदर दी होमे नुकसान उदों करती है जदों तू ये समझदा भी कुछ मैं भी कर रहा है उस हुक्म तो परे मेरे करके भी हो रहा है उदों हुक् तेरे अंदर होमे पैदा होंदी है और होमे नुकसान करती है तेरा तो पातशाह कहिंदे हुक्मे अंदर आउंदे ने हुक्मे अंदर जांदे ने हुक्म दे विच ही समाए हन पूरे गुर ते साच कमावै गत मित शब्दे पाई। पातशाह कहिंदे पाई पूरे गुर ते अर्थ की बनिया पूरे गुरु दे राही साच कमावै जो प्रभु दे सच्चे सिमरन दी कमाई करदा है गत मित शब्दे पाई। सतगुरु पातशाह कहिंदे पाई फिर वो गत मित दा की अर्थ है वो परमात्मा किन्ना क वड्डा है वो परमात्मा किन्ना क बेअंत है ये गत मित है जिहड़ी ये भाई सतगुरु पातशाह कहिंदे उसनू समझ विच आ जांदी है। अगला वचन आद कौ कवन विचार कथियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुंदरा कवन कथियले कट कट कवन निवासो काल कठीगा क्यों जलाइले क्यों निरपौ कर जाइए सह संतो का आसन जाने क्यों शेदे बैराई है गुर कै शब्द हो मैं बिख मारै ता निज कर होवै वासो जनरत रचिया तिस शब्द पछाणे नानक ता का दासो हुण गुरमुख ये जिहड़ा मैनूं लगदा ये हो चुकी सी पंगती ये परसों हो गई है ना
क्योंकि ये ना अगे पिछे हो गई ने। अच्छा ये है हुण तीवीं पौड़ी, ये है आद कौ विस्माद विचार कथियले, उस पंक्ति का यह जवाब है जिहड़ी ये पंक्ति सी ना, आद को कवन विचार कथियले, ये सवाल सी सुन कहाँ घर वसो, तो यदा उत्तर गुरु अंग साहब पाछ कहिंदे ने आद कौ विस्माद विचार कथियले, यदा उत्तर है। हुण ये समझो जी, आद कौ का अर्थ है मुढ़ तो मूल तो। जोगियां ने सवाल किया सतगुरु पातशाह कि पर जिहड़ा है सृष्टि के मुढ़ के बारे तुहाडी की विचार है, सानू कृपा करके दसो। ओ परमात्मा जिहड़ा है सुन कहां घर वासो, अफर अवस्था वाला परमात्मा जिहड़ा है उहदा टिकाणा कित्थे है, तो पातशाह हुण जवाब की दिंदे ने आद कौ, ओ जिहड़ा परमात्मा भाई मुढ़ तो है। आद का की अर्थ है मुढ़ तो है, विस्माद विचार कथियले, ओदी जिहड़ी अवस्था पाई है विस्माद की अवस्था है। आद कौ विस्माद विचार कथियले, गुरमुखो विस्माद की हुंदा है, विस्माद जे तो परमात्मा दे जे आपां नुक्ते दे नाल लाइए ते ओ अवस्था जदों परमात्मा सुन समाधि दे अंदर सी, उसनू कह जांदा विस्माद अवस्था, अफर अवस्था। जदों असी सेवक दे जिहड़ा है जिंदगी दे हिसाब नाल लाउणे आ ते विस्माद दा अर्थ हुंदा है रस माणिया है पर उहनू बयान नहीं कीता जा सकता, विस्माद अवस्था। जिमें गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहिंदे कि गूंगा मठियाई खा लवे स्वाद ते उहने माणे आ, गूंगे नूं कहीए दस भाई किदां दी मठियाई आ, दस ही नहीं सकता, उहनूं स्वाद पता है पर उह बयान नहीं कर सकता। तो जो भी कहिंदे ने गुरु नानक साहिब पातशाह परमात्मा दे बारे बयान तां करो, पातशाह कहिंदे विस्माद है भाई, उन्हों तो माणिया ही जा सकता, कह कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिया, की कहेगा जी, उन्हों पता है अपने अपने माणे है पर बयान नहीं हो सकता। इस तरह जिन्होंने भाई परमात्मा नू समझिया, जिन्होंने उस वाहिगुरु परमेश्वर नू समझिया है, वह कहिंदे ने वह विस्माद है। जिवें असी सुखमनी साहब की बाणी च भी एक थां शब्द आउंदा है, सतगुरु पातशाह कहिंदे देही मैं इसका विश्राम, सुन समाध अनहत तै नाद कहण ना जाई अचरज विस्माद। पातशाह कहिंदे उह सुन समाधि है परमात्मा ते, अफर अवस्था दे विच है, इस करके कहण ना जाई, उहनूं कहे नहीं जा सकता अचरज विस्माद। जिन्हां ने माणिया है वह बस अचरजमई विस्माद नूं माणदे हन, बयान नहीं कीता जा सकता। यही पातशाह कहिंदे ओ भाई जोगियो, ओ परमात्मा जिहड़ा है ओहदे बारे तां विस्माद ही कहा जा सकदा, अचरज ही कहा जा सकदा, पूर्ण तौर ते बयान नहीं कीता जा सकदा। सुन निरंतर वास लिया, जिस परमात्मा ने सुन अवस्था दे विच लगातार, निरंतर की हुंदा लगातार, हुण भी निरंतर लगातार हुण भी जिहड़ा है ओह परमात्मा ने निवास कीता है। अकल्पत मुंदरा गुर ज्ञान विचारियले, हुण अकल इहनूं ना अकल्पत नहीं पढ़ना, बहुत संगता इहनूं अकल्पत, क्योंकि एक एक बेनती समझो, वैसे ना एक कृपा आपां करांगे, मैं इत्थे देखिया सुखमनी साहिब बीबियां पढ़दियां ने, असी नितनेम भी कीता जांदा, कुछ चीज़ां ऐसियां ने उहनां नूं ना दुबारा विचारन की लोड़ है। जिवें जाप साहब की बाणी पढ़ते हैं, नाम सत सत पढ़ते हैं कई बार असं नमस्तस्त, इदा ही है। इस तरह के नाल सुखमनी साहब की बाणी बीबिया भैन पढ़दियां ने, वह भी इदा ही पढ़दियां ने, सतगुर से की करे प्रितपाल, प्रितपाल तो है ही नहीं प्रतपाल है। इस तरह के नाल जो असी पढ़ते हैं, जिहे मारक के गणे जाए ना कोसा, कोसा शब्द थोड़ा कोसा तो पानी होंदा है, भी कोसा जा पानी ना गर्म ना ठंडा, कोसा जे मार्ग के गणे जाए ना कोसा, जिस मार्ग दे कौन ही गिने जा सकी दे। तो इस तरह के नाल जिमें मैं गुरु कई बार गुरु को हैरान भी रह जाना भी गुटके फड़े होंगे हाथ में, ता भी जो असी अरदास वाला शब्द पढ़ते हैं उदों उच्चे छे उच्चा भगवंत, गुटका फड़िया हों सिख के हाथ में,
उच्चे से उच्चा, उच्चे ते उच्चा, इहदा अर्थ की बनता है भी गुटका फड़िया या देख नहीं रहा, उच्चे ते उच्चा है। तो थोड़ा जा ना इस सुरत नाल बाणी पढ़नी चाहिए। इस तरह एक ही शब्द है, यह शब्द है अकल्पत, अकल्पत कल्पना तो रहत। कल्पत की होंदा है? कल्पना वाला। एक ही है अकल्पत, आ कला ला के अकल्पत मुद्रा। मुद्रा की होंदा है? योगियों की जी मुद्रा होंदी है। सतगुरु पातशाह कहिंदे, कहन लगे योगियों गुर ज्ञान विचारी अले। सतगुरु गुरु नानक साहब पातशाह कहिंदे, योगियो भाई जे तुसी सचमुच ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀਏ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਅਕਲਪਤ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੋਗੀਓ, ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰੈ ਮਨ ਦੇਹਰੀ ਚੱਲੈ ਪਾਣੀ ਅੰਨ, ਆਇਓ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਤ ਅਸੂਣੀ ਬੰਨ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੱਤ ਸੂਣੀ ਬੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਕਿੰਨੀ ਕਲਪਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ। 20-30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਲਪਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀ ਭਾਈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਜਵਾਕ ਅਜੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਹਾਈ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ। ਬੰਦਿਆ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ। ਲੈ ਭਾਈ ਜਵਾਕ ਚੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਹਜੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਪਨਾ ਇਹ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ BP ਵੱਧਦਾ ਜੀ, ਆਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਭੇਜਤਾ, ਪਰ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ? ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਖੈਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਣਾ? ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਪਤ ਮੁੰਦਰਾ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਲੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਲਵੇਂ ਜੋਗੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸੱਚੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਆਸਨ ਹੈ ਜੋਗੀਓ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਸੱਚਾ ਸਰਬ ਜੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਮਝੋ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਫਿਕਰ ਆਏ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਰਪਾਤ, ਹੁਣ ਸਵਾਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਰਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜੀ ਕੀ ਰਾਜ ਬਿਲੋਕਤ ਰਾਜਕ ਰੋਖ ਰੁਹਾਨਕੀ, ਰੋਜੀ ਨਾ ਟਰ, ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਪੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰੋਖ ਰੁਹਾਨ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿੰਨਾ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕੋ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਨੱਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰੁੱਖ ਰੁਹਾਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਨਾ ਹਵਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾੜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਫਸ ਜਾਂਦਾ
खा के उबासी लैंदा है। जो उबासी लैंदा कि समा जी उबासी का, बस वह मूँह खोलद रोख रहाण अंदर जाता है, वो दाण विचों कढ के मास खिच के बाहर लिया तो वह खादा वो पेट भरद। पातशाह कहते तैनू कहदा फिक्र है, तैनू कहदा फिक्र है। वह रब तो उन्होंने भुखे नहीं मरन दिता जिन्हों का खाना शेर की दाड़ दे विच है, वह भी भुखे नहीं मरते। ते तेरा तो पता ही नहीं किन्ना क अकाउंट भरी बैठा, तो किन्ना क जोड़ी बैठा, तू क्यों फिक्र करना? वह तो रुख रहाण की रोजी नहीं पालदा। तो यह है पातशाह कहते चिंता बेअर्थी गुरमुख। एक चिंता होंगी है ठीक है, फिक्र करना भी चाहिए, सानू जिम्मेवारी दी है रब ने तियां पुत्रां दी, पर एक होंगे चिंता बेअर्थी। सब कुछ होंदिया होया भी हाए हाए ये किवें होएगा। पातशाह कहिंदे भाई ये जिहड़ी कल्पना तो रहत हो जाना जोगियो, तो सारिया दे विच उस परमात्मा नू समझ लैना। पातशाह कहिंदे गुरु दी ज्ञान दी विचार नाल यही सब तो श्रेष्ठ मुद्रा है, यही सब तो चंगा आसन है। यह सी गुरमुख पाठ दी विचार, दो पंक्तियां हुई ने जी। अगली विचार आप कल इतों ही अगे लैके चलेंगे। भुलां चुकां दे खिमा, फतेह बुलाओ आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संतां दे चरणां विच बेनती है, तेरा हरबरी पाव तरफों फगड़ महीने की अंतर है, और जिसके संबंध में जो हमने तकरीबन 10 मिनट बाद छोटे कमरे की रीति का नाल का कमरा है, इसके अमृत की बाड़ी के श्री अखंड पाठ साहिब जाप आरंभ होंगे। सो जिन्हों के संपूर्ण भोग परसों ठीक सवेरे 6 बजे